हाय एवरीवन दिस इज का आज के टॉपिक डिस्कशन का हमारा मैंगो की एक वराइटी पे है पहला देखिए ये एक जो मैंगो है जीआई सर्टिफाइड है बिहार से भागलपुर एरिया से जरदालू मैंगोज जिनको कहा जाता है और फाइनली इनको यूके को एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे देखिए ये टॉपिक बिहार पी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से देखिएगा अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कहीं पे भी सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस चाहे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा नेक्स्ट चीज़ देखिए ए पी ई डी ए का यहाँ पे आप ट्वीट देख सकते हैं फर्स्ट कमर्शियल कंसाइनमेंट ये पहली कमर्शियल कंसाइनमेंट है जी आई सर्टिफाइड आप देख सकते हैं इसको जियोग्राफिक इंडिकेशन मिल रखा है जरदालू मैंगोज ये वेराइटी है मैंगोज की जिसका नाम है जरदालू और ये कहाँ से है भागलपुर बिहार से और इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है यूनाइटेड किंगडम को कोलेबरेशन है ऑब्वियसली यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार का हाई कमीशन ऑफ इंडिया का यूके और मतलब इन्वेस्ट इंडिया आत्मनिर्भर भारत यहाँ पे हैशटैग दिया गया ऑब्वियसली क्योंकि ये एक हमारा पीक पे चल रहा आत्मनिर्भरता वाला प्रोग्राम एनी uh, anyway, जो ये टॉपिक है ये आपके यूपीएससी स्टेट पी PSC और बिहार पी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या वैरायटी है आपको मालूम होनी चाहिए इंडिया के कौन से स्टेट से कौन से एरिया से है जीआई टैग कहाँ का मिला हुआ है अब इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है ये पहला कमर्शियल और इसका वैरायटी का नाम जर्दालू ज़रूर याद रखिएगा और ये जर्दालू मैंगोज जो हैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से इनको जी सर्टिफिकेशन देखिए कब मिला है टू में याद रखिए कब मिला है टू में अब ए ए -E क्या है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगी और एपीडीए के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन है बिहार गवर्नमेंट का इंडियन हाई कमीशन का इन्वेस्ट इंडिया का और फिर ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं Uh, जो मैंगोज़ है अब देखिए कोई भी चीज़ जब एक्सपोर्ट होती है स्पेशली अगर हम बात करें यूएसए में एक्सपोर्ट होती है इंडिया से या यू में तो उसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं ऐसा नहीं है कि हमारी कोई भी सड़ी हुई गली हुई चीज़ खरीद लेंगे नहीं उनकी पैकिंग उनकी वेराइटी उनकी क्वालिटी एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए तभी वो एक्सपोर्ट होती है स्पेशली इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो ये देख सकते हैं कि इनका जो पूरा पैकिंग है और जो भी ट्रीटमेंट इन मैंगोज़ को दिया गया है वो एपीडीए का जो पैक हाउस है लखनऊ में वहां पे हुआ है ये चीज कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बताई है क्योंकि मेन यही है कि वो लोग क्वालिटी क्वालिटी अगर अगर कुछ भी quality, अगर अच्छी नहीं होगी तो वो एक्सपोर्ट नहीं हम कर पाएंगे वो वापस कर देंगे तो उसे फार्मर्स का भी नुकसान होगा जितने रिसोर्सेज पैसे उसमें लगे सबका नुकसान होगा तो याद रखना है कि पैकिंग इसकी पैक हाउस एपीडीए का जो पैक हाउस है लखनऊ में वहां हुई अब बार बार मैं ये में बोल रही हूँ ये क्या है इसका फुल फॉर्म है याद रखिएगा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी तो जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं इंडिया के एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए ये अथॉरिटी काम करती है विकीपीडिया से इसका स्क्रीन शॉट है ऑब्वियसली गवर्नमेंट के अंदर आता है ये एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपेक्स बॉडी है क्या प्रमोट करती है ये एक्सपोर्ट ट्रेड जो भी हमारा एक्सपोर्ट होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का ओके okay? और फाउंड कब ये शुरू किया गया था थर्टींथ फरवरी 1986 हेडक्वार्टर्स हेड क्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में है और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परपज़ इसका यही है एक्सपोर्ट प्रमोशन जो भी एग्रीकल्चरल या प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं दो चीज़ें आती हैं इसमें आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आते हैं और उसके बाद जो हमारा प्रोसेस्ड फूड्स फूड्स होते हैं वो इस ए पी के अंदर आते हैं कि उनके एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जाए ओके और इससे पहले जब ए नहीं था तो प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होती थी बाद में उसको ए के साथ में कन्वर्ट कर दिया गया अब ए ए जो है ये इस तरह के मेजर्स पहले से भी ले रहा है अगर स्पेशली हम मैंगोज़ को लेकर बात करें कि जो नॉन ट्रेडिशनल रीजनस भी हैं जहाँ पे मैंगो नहीं होते वहां के मैंगो को भी हम एक्सपोर्ट कर पाएँ और रिसेंटली इंडियन मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम जो है वो भी हरेन में किया गया ये प्रोग्राम 16 वेराइटीज़ जो हैं फ्रूट की जैसे कि आपकी जीआई आई सर्टिफाइड खिर आपका लक्ष्मण भोग वेस्ट बंगाल का जो है मैंगो और जरदालू ये सब मैंगो की वेराइटीज हैं इनको सुपर स्टोर्स जो हैं आ, वहाँ पे बरेन में इनकी वहाँ पे आप कह सकते हैं एक तरह का और प्रो प्रमोशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया लोगों को इससे एक्वेंट कराया गया कि देखिए ये वाली वैराइटीज़ भी मैंगो की एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि इससे हमारा एक्सपोर्ट इंप्रूव होगा बाहर की कंट्रीज से मैंगोज़ की डिमांड आएगी तो कौन से तीन मैंगो मैंने आपको बताए जहाँ पे बाहरेन में इनका एक तरह से आप कह सकते हैं प्रमोशनल प्रोग्राम चला खिर या खिरसापति वेस्ट बंगाल का वैरायटी है लक्ष्मण भोग वेस्ट बंगाल की वैरायटी है और जरदालू बिहार की है क्योंकि फाइनली इसका यूके को एक्सपोर्ट भी शुरू हो चुका है और भी बहुत सारी वेरायटी है वैसे भी मैंगो को आप जानते हैं किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है बहुत अच्छा है टेस्ट में नेटिव इंडिया का है अल्फोंसो मैंगो हो गया तोतापुरी मैंगो हो गया तोतापुरी ये कर्नाटका की वेराइटी है केसर मैंगो हो गया बदामी मैंगो ग्रीन मैंगो राजपुरी तो इस तरह की अलग अलग वेरायटीज़ हैं तो स्पेशली आप देख सकते हैं कौन सी वेरायटी कहाँ से बिलोंग करती है विथ स्टेट अल्फोंसो महाराष्ट्र का है तोतापुरी या इसको तोता आम भी कहते हैं कर्नाटका का फिर आपका बंगनपली आंध्र प्रदेश दशहरी आम ये लोग नॉर्थ इंडिया में बहुत खाते हैं ये उत्तर प्रदेश की वैरायटी है हिम सागर वेस्ट बंगाल केसर गुजरात का है फिर ये लंगड़ा आम ये उत्तर प्रदेश का है अंबिका उत्तर प्रदेश फिर मालगोवा ये तमिलनाडु और कर्नाटका दोनों का है वेराइटी है वन राज अगेन गुजरात ये दो गुजरात के हैं देखिए उत्तर प्रदेश के देखिए कितने सारे हमने यहाँ पे काउंट किए हैं ओके चौसिया हिमाचल और बिहार से है तो ये वैराइटीज़ आपको मालूम होनी चाहिए अगर आपने इनमें से कौन कौन सी वैराइटीज़ खाई हैं आप ज़रूर कमेंट कौमन, कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताइए और बिहार की अगर हम बात करें बिहार के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है जीआई टैग क्या होता है उस पर हम बात करेंगे यहाँ पे हमने फिलहाल जर्दालू आम की बात की उसके बाद फर्स्ट कंसाइनमेंट जीआई सर्टिफाइड शाही लीची अगर आपको मालूम हो मुजफ्फरपुर की लीची भी बहुत फेमस है शाही लीची जिसको कहा जाता है इसको भी बिहार से यू को एक्सपोर्ट किया जा रहा है ये भी कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अभी बताया था लास्ट आप देखेंगे ट्वेंटी फोर्थ में ट्वेंटी का ये न्यूज़ है शाही लीची के बारे में तो बाकी प्रो जी आई जो बिहार से बिलोंग करते हैं जैसे कि आपकी मधुबनी पेंटिंग्स हो गई खटवा पैच वर्क ऑफ बिहार हो गया भागलपुर सिल्क कटरानी कत, राइस सिक्की ग्रास वर्क ऑफ बिहार सिक्की ग्रास प्रोडक्ट्स ऑफ बिहार फिर भागलपुरी दरदालू, ये जो आम आ गए सिलाऊ खाजा सूजनी एम्ब्रॉयडरी वर्क मे, आ, ये मेघाई पान या मघाई पान और शाही लीची ऑफ बिहार स्पेसिफिकली मुजफ़्फ़रपुर तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से जीआई टैग्स अलग अलग जगहों को बिहार पे मिले हैं अब जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है ये एक ऐसा साइन है प्रोडक्ट्स के लिए जो ये बताता है कि ये आम जैसे केसर है तो आपको मालूम है कि केसर कश्मीर का ही फेमस है है ना अगर आप लीची की बात करें शाही लीची की तो आपको पता है मुजफ्फरपुर बिहार की फ़ेमस है जर्दालू आम तो भागलपुर बिहार तो एक ज्योग्राफी एरिया उसके साथ जुड़ा है अब कोई जम्मू कश्मीर में भागलपुर के जरदालू आम भेजेगा कि ये जरदालू आम है जो हम यहाँ लगा रहे हैं तो उसको जीआई टैग नहीं मिलेगा क्योंकि वो अलग ज्योग्राफी में आपने लगाया है तो उसी को जीआई टैग मिलेगा इससे ट्रेडर्स को भी फ़ायदा होता है कस्टमर्स को भी पता चलता है कौन सा असली है कौन सा नकली है तो इस तरह का साइन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो स्पेसिफिक जोग्रफ़िकल लोकेशन के होते हैं या उसकी स्पेसिफ़िक कोई क्वालिटी होती है या रेप्यूटेशन होती है उसके ओरिजिन को लेकर या तो जोग्रफ़ी से है या तो उसकी कोई ऐसी क्वालिटी है उस चीज़ को जोग्रफ़िकल टैग जो है वो मिलता है अब इम्पॉर्टेंस क्या है जीआई टैग का देखिए जीआई सर्टिफिकेशन जो अगर किसी प्रोडक्ट को दी जाती है उसकी सर्टन क्वालिटीज की वजह से उसकी ज्योग्राफिक ओरिजिन की वजह से तो ये आइटम्स जो है इनको लीगली इलीगल होगा अगर कोई और जगह में उसको नाम लेके बेचेगा तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं अब हिस्ट्री ऑफ जीआई टैग देखिए ट्रिप्स जो है 1994 बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किया गया इंडिया ने ट्रिप्स को ज्वाइन किया 1994 में फिर इंडिया ने इनैक्ट किया खुद का जोग्राफिकल इंडिकेशंस इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन देखिए ये ऑब्जेक्टिव के लिए ये स्लाइड आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फाइनली ये कब से शुरू हो गया 15 सितंबर 2003 से ये प्रोसेस जीआई टैग की इंडिया में इंप्लीमेंट हो गई शुरू हो गई तो ये स्लाइड आप इसको पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा बाकी आपको जीआई टैग से यही समझना हर जगह में कहीं ना कहीं जीआई टैग मिला है किसी ना किसी चीज़ को जैसे महाराष्ट्र में नागपुर ऑरेंजेस हो गए और उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करोगे तो वुडन क्राफ्ट जो है बस् बस्तर का उसको जी आई टैग मिला है नागालैंड की नागालैंड के मिर्चा को टैग मिला है और नागा ट्री टोमेटो को जी आई टैग मिला है तो जगह के ओरिजिन पे डिपेंड करता है तो इस साइड स्लाइड पे आपको अलग जगह के आ, मिलेंगे जैसे पंजाब में बासमती राइस और फुलकरी को जी टैग मिला है तो हर स्टेट का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे तो यही चीज़ है जी टैग के बारे में काफ़ी सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैंडी हो गए हैंडलूम हो गया फूड प्रोडक्ट्स इनको जीआई टैग जो है वो दिया जाता है तो यही था आज का टॉपिक अब आपके लिए एक सवाल है इंडिया इनएक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशंस ऑफ ऑब्लिगेशंस टू ILO IMF UNCTAD डब्ल्यू टी ओ तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है ये पिछले किसी एक पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 में ये आया है तो आंसर इसका आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा आ, इंस्टा पे भी अपडेट कर दिया जाएगा तो यही है आज का अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में भी इसका आंसर दे सकते हैं आ, सो बिहार पी के लिए फिर से बता दूँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बट अदरवाइज जी आई के क्वेश्चन यू पी एस सी स्टेट पी सी एस कहीं पर भी ये आता है अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं बाकी आप स्टडी आई क्यू की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए थैंक यू सो मच